चीन की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। बासठ का बदला चीन से 20 में लेगा भारत। ड्रैगन खुद लिख रहा है अपनी मौत की स्क्रिप्ट। अब की चीन टकराएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। एलएसी के दोनों ओर हलचल तेज हो गई। हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि किसी भी वक्त जंग हो सकती है। इस बीच चीन ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है और कहा है कि इस बार जंग हुई तो भारत की करारी हार होगी। चीन की इन गीदड़ भभकियों से भारतीय सैनिकों के चेहरों पर शिकन तक नहीं है। भारत जानता है कि सीमा पर लगातार मुखी खाने के बाद चीन को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। हालांकि भारत को डराने के लिए चीन ने एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने एलएसी पर 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की बड़ी रेंज भी लगाई गई है। मिसाइल, रॉकेट फोर्स, 150 फाइटर एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं। लाइट टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी भेजने की कोशिश में है चीन। H-6 बॉम्बर ट्रेनिंग मिशन के लिए एलएसी पर तैनात किया गया है। चीन की तैयारी तो युद्ध जैसी है, लेकिन सामरिक मामलों के जानकार कहते हैं कि चीन की तैयारी को देखकर साफ लग रहा है कि अगर जंग हुई तो वो बुरी तरह से हारेगा। चीन एलएसी पे अतिक्रमण की कार्रवाई पिछले 4 महीने में कर रहा है और जिस तरह से भारतीय सेना ने पलटवार करते हुए वहां पर अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाया, उसके बाद हाल ही में पेंगानसो लेक में पहाड़ियों पे जो है भारतीय सेनाओं ने चीनियों को खदेड़ के कब्जा कर लिया, तो चीन बौखलाया हुआ। अब भारत और दुनिया के बाकी मुल्क चीन की चालाकी से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। वो जानते हैं कि चीन दोस्ती की बात तो करता है, लेकिन किसी भी वक्त पलट कर वार कर सकता है। दोनों मुल्कों के विदेश मंत्री इस वक्त मॉस्को में हैं और दोनों के बीच 5 अहम मुद्दों पर बात हुई है। मसलन, बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट करना चाहिए, मतभेद को दूर करते हुए तनाव कम करना चाहिए, सीमा से जुड़े मामलों में प्रोटोकॉल को मानना चाहिए, बॉर्डर पर शांति बनाए रखें, भरोसा बढ़ाने के उपाय करें और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी SR मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होनी चाहिए। हैरान करने वाली बात यह है कि अगर चीन इन 5 मुद्दों पर गंभीर है और भारत के साथ इत्तफाक रखता है तो फिर एलएसी पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती लगातार क्यों बढ़ रही है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में कुछ अहम फैसले हुए हैं। SCO मीट में चीन जो है हर प्रकार से बैकफुट पे था। सारी दुनिया जानती है, चीन के अवाम जानता है, उसके प्रोपेगेंडा के बावजूद कि जो चीन ने लद्दाख में किया दैट वाज कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर। हिंदुस्तान को चलाकी से उसने दबाने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, नतीजा उल्टा निकला। चीन भले ही ये जताता हो कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन आपको ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान ऐसे मुल्क हैं जो इस ताक में बैठे हैं कि चीन ये गलती करे और ये सब मिलकर उसकी लीला खत्म कर दें। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सूत्रों की माने तो भारतीय सेना ने फिंगर फोर के उस हिस्से पर कब्जा कर लिया है जो कभी चीन के कब्जे में था। हालांकि चीन अभी भी फिंगर फोर पर काबिज है, लेकिन जिस इलाके को भारतीय सेना ने अपनी जद में लिया है वो सामरिक रूप से बेहद अहम है। ऊंचाई पर होने के नाते भारतीय सेना इस इलाके की निगरानी बेहतर तरीके से कर सकती है।
गलवान झड़प की इन तस्वीरों ने एक बार फिर से दुनिया के सामने इस बात को जाहिर कर दिया कि चीन भरोसे के काबिल न तब था और न अब। इसलिए भारत ने एलएसी पर चीन के खिलाफ तैयारियां तेज कर दी। वो फोर्स तो T-90 टैंक्स, लाइट वेट लॉन्चर्स, सर्विलांस ड्रोन, मल्टी बैरल लॉन्चर्स, मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म अपाचे, लाइट वेट हेलीकॉप्टर जगुआर, MiG-29 और सुखोई 30 MKI की तैनाती कर दी है। अभी वो किसी न किसी तरीके से एक फेस सेविंग डिवाइस चाहता है जो हिंदुस्तान देने के लिए तैयार नहीं। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर चीन को कहा है कि किसी प्रकार का कोई यूनिलैटरल चेंज ऑफ स्टेटस नहीं होने दिया जाएगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं रोकेंगे और हम शांतिपूर्वक देश हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन हम हर प्रकार से तैयार हैं। लेकिन आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर एलएसी पर ताज़ा हालात क्या हैं और भारत किन किन हिस्सों में चीन के मुकाबले बेहतर है। आप ये देखें कि एलएसी की अभी की ताजा तस्वीर क्या है, एलएसी पर असल में चीन कर क्या रहा है और भारत की पोजीशन क्या है। जब मैं यहाँ पर आता हूँ एलएसी की ताजा तस्वीर बताने पर, तो आप देखें मैं अभी जहाँ पर वर्चुअली खड़ा हूँ, ये पैंगोंग झील का उत्तरी इलाका है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका है। जब चीन को ये लगने लगा कि दक्षिणी इलाके में खासतौर से जो चुशूल का इलाका है, एक बार दिखाएं मुझे, चुशूल का इलाका, थाकुंग का इलाका, 0.5167 का इलाका, सबसे पहले तो मैं आपको जो उत्तरी इलाके में दिखा रहा हूँ फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा दिया, लेकिन दक्षिणी इलाके में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है चुशूल, आपको दिख रहा है थाकुंग, आपको दिख रहा है 0.5167, ITBP हिल, बम, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, ब्लैक टॉप, मागर हिल, और यहाँ की स्थिति सिचुएशन क्या है 40 साल के बाद की, ये हम आपको दिखा रहे हैं। क्या है ना, दक्षिणी तरफ आप नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, भारत ने अपनी पोजीशन कर ली है बहुत मजबूत, भारत फिंगर फोर तक भी बहुत मजबूत है। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि यहाँ फिंगर फोर से लेकर के फिंगर एट तक पूरी तरह से हम एलएसी मानेंगे, तुम्हें भी एलएसी को मानना होगा। और यही एक वजह है कि चीन बहुत ही ज्यादा बौराया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये समझना भी जरूरी है कि अगर जंग के हालात बने तो इंडिया। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि जो विवादित कुछ जगह थी पिछले कुछ सालों की, वहां ऊंची चोटियों पर भारतीय सैनिक मुस्तैद हैं और इसी से चीन बौखलाया हुआ है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।